अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, गेमिंग एक्सपर्ट से रमीज़ एक बार फिर गेमिंग लैपटॉप के एक नए मॉडल को अनबॉक्स करने के लिए आपके सामने हाजिर हैं। आज जो हम गेमिंग लैपटॉप अनबॉक्स करने जा रहे हैं वो है डेल G15 5515। ये मॉडल हम अनबॉक्स करेंगे आपके लिए और ये मॉडल आता है AMD Ryzen 7 के साथ। तो इसके अंदर Ryzen 7 5800H का प्रोसेसर लगा हुआ है जो कि बहुत ही हैवी और अच्छे कोर्स के साथ होता है, गेमर्स के लिए बहुत अच्छा और बहुत बेस्ट चॉइस है। हम अपनी लैपटॉप जो है वो ऑनलाइन भी डिलीवर करते हैं। स्क्रीन पे हमारा मेरा कॉन्टैक्ट नंबर, मेरा व्हाट्सअप नंबर आ रहा है आपको सामने। gamingexperts.pk हमारी वेबसाइट है, उस पर भी जाके आप विज़िट कर सकते हो, हमें वहाँ से भी ऑर्डर कर सकते हो। व्हाट्सअप पे भी आप हमारे लैपटॉप जो है वो ऑर्डर कर सकते हैं। ऑल ओवर पाकिस्तान हम डिलीवरी कर देते हैं लैपटॉप्स की 100% गारंटी के साथ, ओरिजिनल चीज़ बिल्कुल ठीक। तो आज जो हम लैपटॉप अनबॉक्स कर रहे हैं वो हम पहले अनबॉक्स करके आपको दिखा दें कि ये डेल G15 5515 विथ राइजन 7 के प्रोसेसर के साथ जो लैपटॉप है वो देखने में कैसा है। बात करेंगे इसकी स्पेसिफिकेशंस की, इसके फीचर्स के बारे में आपको बताएंगे। तो चलिए व्यूअर्स देखते हैं अनबॉक्स करके कि ये लैपटॉप देखने में कैसा है। तो आइए करते हैं इसको अनबॉक्स। घबराइए नहीं, ये बॉक्स जो है वो खाली था, हम आपके लिए ऑलरेडी इसको अनबॉक्स करके रख चुके हैं। ये देखिए खूबसूरत लैपटॉप, पैंथम ग्रे कलर है, वाइट से थोड़ा सा डार्कर शेड पे है, ब्लू शेड पे है। और ये जो इसका बैक साइड के जिसके हिंचेज हैं ये ग्रे कलर के हैं। और हम इसको अब ओपन करके देखते हैं कि ये लैपटॉप देखने में कैसा है और इसके बैकलाइट कीबोर्ड भी देखेंगे। ये देखिए जी माशाल्लाह बहुत अच्छा, बहुत खूबसूरत लैपटॉप है। इसकी स्पेसिफिकेशंस में आपको एक दफ़ा और बता दूं, इसकी स्पेसिफिकेशंस हैं Ryzen 7 5800H का इसके अंदर प्रोसेसर लगा हुआ है, 8GB की रैम है, एक्सपेंडेबल है, आप इसको 64GB तक अपग्रेड कर सकते हो। इसके अंदर जो इस वक्त SSD मौजूद है वो है 512GB की, इसको भी आप 1TB तक अपग्रेड कर सकते हो। और इसके अंदर जो मेन इंपॉर्टेंट, इसके अंदर जो GPU है वो है 3050 NVIDIA GeForce का इसके अंदर ग्राफिक कार्ड लगा हुआ है। 15.6 इंचेस की इसकी स्क्रीन है, 120 हर्ट्ज़ का ये लैपटॉप है। इसका बैकलिट कीबोर्ड जो है वो ऑरेंज शेड में है, रेड नहीं है, थोड़ा सा रेड से लाइटर शेड में है, ऑरेंज कलर का है। इसको अभी हम ऑन करेंगे तो हम आपको दिखाएंगे कि इसका बैकलिट कीबोर्ड किस कलर का है। इसके अलावा यहाँ फ्रंट पे जो है जैसे कि तमाम लैपटॉप में होता है कैमरा, 720p का कैमरा दिया हुआ है। और जो है इसके मज़ीद फीचर्स मैं आपको बताता हूँ। माउस पैड यहाँ पे थोड़ा छोटा सा दिया हुआ है। मुझे जो सबसे ज़्यादा अट्रैक्ट कर रहा है वो इसका कलर है, इसका कलर बहुत खूबसूरत है। अगर हमारा कैमरामैन आपको दिखा सकें तो इसके अंदर बहुत छोटे छोटे से डॉट्स दिए हुए हैं ग्रे कलर के, जो कि इसको और मज़ीद खूबसूरत बनाते हैं। और जहाँ तक बात करें इसकी बिल्ट क्वालिटी की, इसकी क्वालिटी मुझे बहुत अच्छी लग रही है। और वन हैंड से अगर इसके लिड को मैं ओपन करना चाहूँ तो ये देखें, वन हैंड से इसका लिड भी ओपन हो रहा है। इसके हिंचेस जो है वो बहुत अच्छे हैं। और हम देखते हैं अब इसका एयर इंटेक सिस्टम और बात करते हैं इसके वेंट्स की। तो इसका जो एयर इंटेक सिस्टम है, बैक साइड पे इसका पूरा एयर इंटेक है जो कि एयर को यहाँ से इनफ्लो करता है। और इसका अगर आउटर फ्लो की हम बात करें इसके वेंट की, तो इसके अंदर फोर साइडेड वेंट मौजूद है। दो वेंट्स यहाँ पर हैं, इस साइड पर भी इसका वेंट मौजूद है और लेफ़्ट साइड पे भी इसका वेंट मौजूद है। फोर साइड वेंट है, मशीन को ठंडा रखेगा। और बिल्ड क्वालिटी बहुत अच्छी है, वन हैंड से भी इसका लिड ओपन हो रहा है, ये आप देख सकते हो, मैंने एक हाथ से खोला है। इसका हिंच बहुत ही प्रॉपर और एक मज़बूत हिंच है जो कि दूसरे लैपटॉप में आपको नहीं मिलता है। और जहाँ तक हम बेजल की इसकी बात करें, बेजल्स बहुत थिन है, एक पूरा कंप्लीट 15.6 इंचेस का डिस्प्ले आपको मिलेगा। जो नीचे का बेजल है वो थोड़ा सा थिक है, उसके ऊपर डेल भी इम्पोज हुआ हुआ है। यहाँ पर इसके स्पीकर्स मौजूद हैं, बहुत अच्छे और बहुत ज़्यादा बड़े साइज़ का इसके अंदर स्पीकर मौजूद है, बहुत अच्छा खूबसूरत डिज़ाइन है। इसके अलावा जी व्यूअर्स, और अगर हम बात करें इसके वेट की, तो जैसे मैंने बताया इसकी बिल्ड क्वालिटी बहुत अच्छी है, थोड़ा सा मुझे हैवी वेट ये लग रहा है। अगर इसका मैं वेट देखूं तो इसका वेट 2.7 kg तक इसका वेट है, तो थोड़ा सा हैवी लैपटॉप है। लेकिन अगर बिल्ड क्वालिटी देखें तो उस हिसाब से बिल्ड क्वालिटी बहुत अच्छी है, बहुत अच्छी बिल्ड क्वालिटी है। इसके रिव्यूज़ बहुत अच्छे हैं मेरे पास, मैंने जितने अपने कस्टमर्स को इसको सेल किया है, चाहे वो ऑनलाइन हो या हमारा
वॉकिंग कस्टमर हो, हमेशा खुश होकर लैपटॉप लेके जाते हैं और अच्छे रिव्यूज़ इसके देते हैं। अच्छा, अब हम देखते हैं कि इसके पोर्ट्स हमें कौन कौन से मिलते हैं, इसके अंदर कौन कौन से पोर्ट्स मौजूद हैं। जो सबसे अच्छी बात मुझे डेल के लैपटॉप में लगती है वो ये कि इसके सारे पोर्ट्स जो है बैक साइड पे होते हैं मोस्टली। तो जब आप लैपटॉप को यूँ वर्किंग करते हो, जब आप लैपटॉप यूज़ करते हो, तो सारे जो वायर्स हैं वो बैक साइड पे होते हैं। तो आपको यहाँ पे एक वायर जंबल नहीं मिलता है, आपको यहाँ पे स्पेस मिलता है काम करने का दोनों साइड्स पे, क्योंकि वायर्स आपके सारे पीछे होते हैं। तो मैं आपको बताऊं कि इसके अंदर कौन कौन से पोर्ट्स मौजूद हैं। यहाँ पर सबसे पहले इसका चार्जिंग पोर्ट है, जो कि ऑलवेज़ आपको चाहिए होता है, वो बैक साइड पे हुए तो बहुत ही अच्छा है। इसके अलावा यहाँ पर HDMI केबल का पोर्ट है, एंड देन यहाँ पर हमें मिलता है एक USB कनेक्टर 3.1 का। इसके बाद यहाँ पे टाइप सी का पोर्ट भी मौजूद है, जिससे आप अपने टाइप सी की चीज़ें वगैरह जो भी है चार्ज लगा सकते हो, कनेक्ट कर सकते हो। अगर हम राइट साइड पे देखें तो यहाँ पे हमें दो USB पोर्ट्स मिलते हैं, और लेफ़्ट साइड पे यहाँ पे आपको RJ45 का कनेक्टर मिलता है, लैन कनेक्टर, और यहाँ पर इसका कॉम्बो जैक भी मौजूद है जो आपके हेडफोन्स और माइक को कंट्रोल करेगा। इसके अलावा यहाँ पे एक लिड दिया हुआ है चार्जिंग का, क्योंकि चार्जर पोर्ट बैक साइड पे है, जब हम चार्ज पे लगाएंगे तो इसके लिड यहाँ साइड पे चलेगी और हमें पता चल जाएगा कि ये चार्ज पे है या नहीं है। और जब चार्ज कंप्लीट हो जाता है तो इस लिड का कलर जो है वो चेंज हो जाता है। बाकी फ्रंट से ये बहुत ज़्यादा स्लिम है, आप देख सकते हो, बहुत ज़्यादा बल्की नहीं है, बहुत स्लीक डिज़ाइन है, और कलर बहुत ही अच्छा कंट्रास्ट में डार्क ग्रे एंड लाइट ग्रे कॉम्बिनेशन के साथ ये लैपटॉप है। तो आइए इसको ऑन करते हैं और इसको देखते हैं कि इसके अंदर और क्या क्या मज़ीद फ़ीचर्स हैं, हम आपको अभी बताते हैं। जी व्यूअर्स, तो इस लैपटॉप को अभी हम ऑन करके देखेंगे। डेल का लैपटॉप G15 5515 Ryzen 7 5800H का प्रोसेसर, इसके अंदर 8GB रैम है, 512GB SSD है, और GeForce NVIDIA 4GB 3050 Ti का कार्ड लगा हुआ है। ये लैपटॉप हमने ऑन किया है आपके लिए, और मैं बताऊँ इस लैपटॉप के साथ हमें क्या क्या मिला है। इस लैपटॉप के साथ जो है वो ये 180 वॉट्स का चार्जर है, अच्छा हैवी ड्यूटी चार्जर है, और इसके साथ मिलता है ये पावर कॉर्ड जो इस चार्जर को पावर प्रोवाइड करेगा। इसको हम रखते हैं साइड पे और बात करते हैं इसके फीचर्स की। जी तो व्यूअर्स, ये लैपटॉप जो है ये 120 हर्ट्ज पे वर्क करता है, बहुत अच्छा लैपटॉप एक अच्छे कार्ड के साथ, गेमर्स के लिए बहुत अच्छी चॉइस है। और इसकी जो इसका जो बैकलिट कीबोर्ड मुझे दिख रहा है वो है ऑरेंज कलर का, इसका बैकलिट कीबोर्ड है, ये आप देख सकते हो, बहुत अच्छा। और यहाँ पर जो है वो डेल के गेमिंग का लोगो मौजूद है, यहाँ पर ये जो जी लिखा हुआ है ये इसकी जी की जो सीरीज़ है, गेमिंग की जो सीरीज़ है, वो लोगो यहाँ पर इम्बोज हुआ हुआ है। इसके अलावा यहाँ पर भी आप देख सकते हो कि ऑरेंज कलर से जो जी लिखा हुआ है, सेम इसी कलर का यहाँ पर बैकलिट मौजूद है। रेजोल्यूशन मैंने आपको बताया कि इसकी रेजोल्यूशन है 120 हर्ट्ज़ की, इसकी रेजोल्यूशन है, बहुत ही अच्छा लैपटॉप। और माउस पैड की जहाँ मैं बात करूँ, माउस पैड थोड़ा सा छोटा है लेकिन अच्छा है, क्लिक्स इसके अंदर ही दिए हुए हैं। और इसके अंदर जो है व्यूअर्स, विंडोज़ लाइसेंस विंडोज़ इसके अंदर इंस्टॉल्ड है, विंडो 11 के साथ आपको ये लैपटॉप मिलता है। आप हमारी वेबसाइट पर ऑनलाइन भी ऑर्डर कर सकते हो। इसके अलावा मेरा व्हाट्सअप नंबर नीचे मौजूद है, आप मैं व्हाट्सअप पे भी कांटेक्ट कर सकते हैं, ऑल ओवर पाकिस्तान डिलीवरी हो जाती है। लैपटॉप बहुत अच्छा है। हमारी आज की वीडियो आपको कैसी लगी, हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। हमारी आज की वीडियो कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। बेल आइकन प्रेस करें, इस वीडियो को लाइक करें। थैंक यू, अल्लाह हाफ़िज़।